तस्वीरें हरियाणा के टोहाना की है, जहां वीरवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरों में आप हरियाणा की रोडवेज बस को देख सकते हैं, जो अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकराई है, जिसकी ब्रेक फेल हो गई थी और साथ में बस का स्टीयरिंग भी। जानकारी के अनुसार ये बस उकलाना से गांव सनियाना के रास्ते टोहाना के लिए चली। जब बस पीरथला गांव के पास आई तो बस गांव में बने जलघर की चार दीवारी को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में चालक परिचालक के अलावा दो सवारियां ही मौजूद थी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रोडवेज विभाग के अधिकारियों को सूचना दी थी। घटना के बाद रोडवेज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। ये ऐसा है, 6:20 पे उकलाने से चली थी वाया पार्था पिथला, मतलब टाइम देखे, और इसका बताते हैं ब्रेक फेल होने की वजह से और स्टीयरिंग जाम होने की वजह से तो अंदर उसके मतलब घुस गई, अपने दीवार फाड़ के उसकी मदद घुस गया, ना तो स्टीयरिंग उसका स्टीयरिंग काम किया और ना ही ब्रेक काम किया। अभी तो चालक की अभी रिपोर्ट मेरे को मिली नहीं है, अगर चालक से पूछताछ करूं अब कितने मतलब वो स्पीड थी गाड़ी की, लेकिन सुनने में यह है कि मेरे को ब्रेक फेल और स्टीयरिंग फेल होने की वजह से, हाँ बिल्कुल लापरवाही होगी तो चालक के साथ कार्रवाई की। गनीमत ये रही कि मौसम खराब होने के चलते बस में ज्यादा सवारियां नहीं थी और जलघर के टैंक में गिरने से बस बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि बस की गति ज्यादा होने की वजह से चालक नियंत्रण खो बैठा और बस जलघर की चार दीवारी को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। वहीं विभागीय अधिकारियों ने घटना पर साफ कहा है कि अगर इस हादसे में बस चालक की कोई लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब के सीटीवी।